सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। नमस्कार, मैं दीपा राणा और आप देख रहे हैं सत्य खबर। दिल्ली में जो है राजनीति के साथ साथ जो माहौल है काफी बिगड़ा हुआ है। दिल्ली में जो प्रदूषण के साथ साथ एक ऐसा माहौल इस वक्त बन गया है, वकीलों और पुलिस में जो आपसी जो गुटबाजी हुई, गोलियां चली, उसके बाद क्या कुछ माहौल है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स साकेत के यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर जो वकील हैं उनकी स्ट्राइक है। जनता यहाँ पर काफ़ी परेशान हो रही है, सुबह से यहाँ पर जनता का जो है भीड़ लगी हुई है। वकील जो कुछ काम करने के लिए मना कर रहे हैं, स्ट्राइक बढ़ी हुई है। इसके बीच पुलिस और जो वकीलों की आपसी जो भिड़ंत है, आपसी जो गुटबाजी है, उसके बीच में बेचारी जनता पिस रही है। और जनता से जानते हैं वो किस तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? ब्रजभूषण झा। आज स्ट्राइक है, कोर्ट बंद है, कब से आए हो आप यहाँ? ये पता नहीं जी, हमको तो बोले थे वकील साहब 10 बजे आ जाना। कितने बजे से खड़े हो आप यहाँ? जी 10:15 बजे। 10:15 बजे हाँ। से क्या कुछ परेशानी आ रही है? अब जब अंदर जाएंगे जब ना, आज की डेट अभी तक अंदर जाने के लिए ट्राई किया आपने? अरे सबसे पूछ रहे हैं, बहुत हजारों की संख्या में यहाँ खड़े हैं। अभी जो पुलिस और वकीलों के बीच आपसी जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में जनता का क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान यही, चलान के लिए गए थे अंदर, वकीलों ने भगा दिए। क्या बोला? भगा दिए, भाग जाओ जाओ जाओ। एक लड़के को तो बहुत मारा उन्होंने वकीलों ने। हाँ वकीलों ने। तो कहीं ना कहीं क्या ये लगता है आपको कि अगर लड़ाई है तो वकीलों को इस तरीके का स्टेप उठाना चाहिए? नहीं, गलत है, कोई बात है तो उसको सुलझाना चाहिए। जिसको न्याय लेने के लिए, मतलब जिसके पास न्याय लेने के लिए जनता जाती है, वकीलों से अपनी सुनवाई करवाने के लिए जाती है, वही वकील जनता को मार कर भगा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर हो रहा है साकेत कोर्ट के बाद, क्योंकि स्ट्राइक लगी हुई है और जनता से भी जानते हैं किस तरीके की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? शकील नाम है। मैडम ये क्या नाम है आपका? अफसर हुसैन। कितनी देर से खड़े हो आप? मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ। क्या काम करवाने आए? मैं, मेरा आज डेट था 4 तारीख को, वो बैंक का लोन वो चेक बाउंस हो गया था, इसकी वजह से मैं आया होता। तो अभी क्या आपसे, आपको क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि आज कोई काम नहीं होगा, भगा दे, वकील ने भगा दिया सबको मार के। वजह क्या है जो पुलिस और वकीलों के बीच आपसी झगड़ा हुआ था? उसी की वजह से। उसी की वजह से। क्या लगता है स्ट्राइक करना सही है? नहीं, ये सही नहीं, पब्लिक परेशान हो रही है। क्या हल निकालना चाहिए दिल्ली सरकार को इसका? दिल्ली सरकार को ये मसला निकालना चाहिए था कि सही हो, ये पब्लिक परेशान नहीं हो। पहले सर से जानते हैं जो अभी आपसी झगड़ा हुआ है, दिल्ली सरकार को उसका क्या हल निकालना चाहिए? मैम क्या निकालना चाहिए, तो सुनता है कोई नहीं, तो हल ही नहीं निकलता, तो निकालना क्या चाहिए? सुन के तो कोई राजी है नहीं, इनको नोटिस लगाना चाहिए था पहले। यहाँ ये ऐसा हुआ है, ऐसा पर जनता से ये भी सुनने को मिल रहा है मैडम, वकील मार करते हैं, क्यों मारते हैं उनको, कहते हैं काम के करने के लिए तो वकील मारते हैं, क्यों मारते हैं घसीट घसीट के? वकील मार रहे हैं? हाँ मार रहे हैं। क्यों, बाप के खा रहे हैं क्या हम लोग, क्यों मारते हैं? वकीलों ने मारे है? हाँ अभी 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 आपको मारे है? हाँ उस गेट वो वकीलों ने मारते हैं सबको। क्या क्या बात हुई थी, क्या बोला आपने? वो बोला बैंक जाना, बैंक भी नहीं जाने देते हैं, क्या खरीद रखे हैं क्या उनने? स्ट्राइक के बाद ऐसा हुआ? हाँ उसके बाद कहता हुआ तू भग जाए यहाँ से, ये सारे वकील बिका हुआ है, प्राइवेट हो सरकारी हो वकील पर कोई लागू नहीं है। आपने हाली करनी है मैम, तो नोटिस लगा दो ना, आज इतने दिन के लिए, इतने दिन के लिए, इतने दिन के लिए बंद है। कौन कौन परेशान होगा, कौन सब चले जाएंगे, पढ़े लिखे आदमी है, कोई अनपढ़ झगड़ा उनका आपसी का है, तो जनता की इसमें क्या गलती है? जनता इसमें क्यों पीसे? अगर वकीलों को स्ट्राइक करनी थी तो नोटिस लगाते और कहीं ना कहीं सही बात इनकी। क्या कह रहे हो? झगड़ा तो किया वो अंदर बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, पब्लिक मारी मारी पर रही, लगा तो 10 दिन के लिए बोर्ड बंद है, 10 दिन के लिए हड़ताल है। अच्छा, ये नहीं है ना भाई, नहीं लेता है क्या? वकील को फोन करके बोलना कि आज मत आना, वकील पैसे लेते हैं, उसको बोलना चाहिए। किसी यहाँ पे जनता बोल रही है कि वकीलों ने खुद तो झगड़ा करा, लेकिन उसके बाद पिस कौन रही है? जनता, सिर्फ और सिर्फ जनता। वकील अपना चुपचाप आगे बैठे हैं अंदर, और बात ये भी यहाँ पर आ रही है निकलकर कि जब जो जनता है, आम जनता उनसे मिलने के लिए गई तो उन्हीं पर उनको मारपीट की गई। अंकल से जानते हैं क्या पूरा मामला यहाँ का, जो वकील स्ट्राइक कर रहे हैं? वकील स्ट्राइक कर रहे हैं जी, आज तारीख है, हम तो तारीख में आए हुए हैं, और यहाँ वकील तो स्ट्राइक 30 जारी के अंदर जो गोलियाँ वगैरह चली हैं, वकीलों की और पुलिस की झड़प हुई है, उस मुद्दे को लेकर के सारे मामला चल रहा है। लेकिन जो उस मुद्दे को लेकर जो जनता अभी इस तरीके से परेशान है, लेकिन यहाँ पर जो है कम से कम दरवाजे खुलने चाहिए, और जो जो लोग आए हैं जिनकी तारीखें हैं, एक मिनट, जिसकी तारीखें हैं उनको कोर्ट में जाके पेशी, अपनी पेशी करनी चाहिए, और पेशी के अंदर डेट जो भी है नेक्स्ट डेट मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एकदम चारों तरफ दरवाजे बंद हैं। दिल्ली सरकार इस पर क्या स्टेप उठा रही है?
दिल्ली सरकार को स्टेप नहीं उठा रही, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो है ना तो पुलिस है, ना तो पुलिस है, ना ही एडवोकेट्स का कोई जो मोदी सरकार की यहाँ पर बिल्कुल मोदी सरकार की नाकामी है, मोदी सरकार की नाकामी है। ये ऊपर से भगा दिया जा रहा है, कल को हमारे वारंट हो जाएंगे, हम बंद हो जाएंगे, तो उसका 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 कौन दिल्ली सरकार के अंदर में होता था कब तक ना हो जाता, अभी मोदी जी सरकार के अंदर में है तो क्यों नहीं हो रहा है, मोदी सरकार फेल हो रही है यहाँ पे नहीं। फिर भी नहीं हो रहे हैं, काम है मोदी सरकार जी। दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने कल संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो इस मुद्दे के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय देना चाहिए था कि एडवोकेट अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण स्ट्राइक अपनी करें, लेकिन क्लाइंट्स को जाने दें अंदर। तो कहीं क्लाइंट्स को इसमें जो ये काम है ये मोदी सरकार का है, केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार इस पर कोई भी स्टेप नहीं ले रही है, अगर स्टेप लिया भी जा रहा है तो वो इस हद तक नहीं कि पूरा मामला सुलझाया जा सके। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जो जजेज हैं जिन्होंने इस मामले को देख रहे हैं उन्हें ये निर्णय देना चाहिए कि क्लाइंट्स को अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहिए तो ये डिक्लेयर जहां एडवोकेट्स की स्ट्राइक कर रहे हैं वहीं ये कह देते हैं कि जिनकी तारीख है वो भी कोर्ट में न जाएं, या फिर डिले कर दिया जाता, या डिले कर दिया जाता। तो इसलिए इसलिए जो है आज का जो मुद्दा है ये पब्लिक के हित में नहीं है, लेकिन जहाँ तक एडवोकेट्स का सवाल है वो अपनी जगह कर रहे हैं, क्योंकि फायरिंग एकदम हुई है और फायरिंग अगर पैर से नीचे गोली लगती कमर से नीचे तो एक अलग बात थी, लेकिन सीने में सीधी गोली मारी गई है और उसमें तो वे उनका भी अपनी जगह जायज है ये स्ट्राइक करना, लेकिन उनका जायज तो है, लेकिन जिस तरीके से वो लोगों को मारपीट कर रहे हैं, इनको भी मारपीट की गई, इनके साथ भी, वो जायज नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक बार कैमरा घुमाकर दिखाना चाहेंगे कि जो जनता यहाँ पर अभी जमी हुई है सभी यहाँ पर अपना काम करवाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पर सुबह के ऐसे ही खड़े हुए हैं, सबके साथ मारपीट भी की गई वकीलों की। एडवोकेट्स की रोजी रोटी तो क्लाइंट से चलती है, अगर क्लाइंट्स के ऊपर ही हाथ उठाएंगे एडवोकेट्स तो ऐसे एडवोकेट्स को जो है निलंबित करना चाहिए, बाहर को बाहर को बाहर करना चाहिए, इनको थप्पड़ मारता भी एडवोकेट। मैम एक लेडी को धक्का मारा अंदर वकीलों ने, मैम एक लेडी को धक्का मारा वकीलों ने अंदर, यहाँ से वो एक राउंड तो बाहर कर गई, सेकंड राउंड नहीं। जब कानून बनाने वाले खुद ही कानून तोड़े, महिलाओं के साथ मारपीट करे, जनता के साथ मारपीट करे, तो कैसे चलेगा? सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।